हेलो फ्रेंड्स, जेके फूड एंड टूर ब्लॉग में आपका स्वागत है। चलिए आज मैं आपको राजगीर की सैर कराती हूँ। सबसे पहले राजगीर स्टेशन पहुँच गए हैं। यहाँ मैंने 2 दिन का ही ट्रिप प्लान किया, आप चाहें तो 3 दिन का ट्रिप प्लान करेंगे तो और भी बहुत सारे जगहों पे घूम सकते हैं। तो यहाँ स्टेशन से हम लोग चलते हैं जू सफारी की तरफ। यहाँ स्टेशन के पास आपको बहुत सारी ई रिक्शा मिल जाएगी या ऑटो भी मिल जाएंगे, आप जिससे जाना चाहते हैं तो उससे जाएं आप। हम लोग ई रिक्शा करके जू सफारी के लिए निकल गए हैं, क्योंकि हमारा टाइम है 1 बजे से 2 1 बजे से ही हम लोग का स्लॉट का टाइमिंग है, तो इसलिए हम लोग ज़्यादा देर ना करते हुए पहुंच गए हैं जू सफारी के पास। हम लोग 12 बजे तक पहुंच गए थे, इसलिए हम लोग को वेट करना पड़ा। ऑफलाइन टिकट यहाँ सुबह 8 से 9 बजे के बीच ही मिलता है, इसलिए आप ऑनलाइन टिकट ही लेकर आएँ, ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। यहाँ आने के बाद अब हम अंदर चलते हैं। ये यहाँ का बहुत ही बड़ा गार्डन है जहाँ आप थोड़ी देर रेस्ट कर सकते हैं। ये अंदर का एरिया है जहाँ से हम लोगों को अंदर जाना है। यहाँ आपको बहुत ही शांति का अनुभव होगा, यहाँ पे बहुत ही अच्छा व्यू रहता है। हम लोग टाइम से थोड़ा पहले ही पहुँच गए थे, इसलिए हम लोग वेट कर रहे हैं अपने टाइम का, क्योंकि हम लोगों ने 1 बजे से स्लॉट बुक किया है तो 1 बजे से एंट्री होगी। जब तक थोड़ी देर बच्चों ने यहाँ मस्ती कर ली है। 1 बज गया है, अब एंट्री स्टार्ट होने वाली है। देखिए बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर। यहाँ पर आने से पहले आप ऑनलाइन ही टिकट लेकर आएँ। ऑफलाइन टिकट 8 से 9 बजे के बीच ही मिलता है सुबह के। यहाँ पे देखिए पृथ्वी के छोटे छोटे मॉडल्स बने हुए हैं। एक छोटा सा यहाँ म्यूजियम बनाया गया है हमारी अर्थ से रिलेटेड, हमारी अर्थ पे कौन कौन से मिनरल्स वगैरह हैं उसे ही दर्शाया गया है। कहाँ पानी है, कहाँ जंगल है, ये सब दर्शाया गया है अर्थ के बारे में, और हमारे पृथ्वी पर कहाँ कहाँ का अर्थ का कौन कौन सा पार्ट कहाँ सूखा है, कहाँ हरा भरा है, ग्रीनरी है, कहाँ झरने हैं, इन सभी को एक छोटे से मॉडल में दर्शाया गया है। देखिए किस तरह से मॉडल तैयार किया गया है हमारी अर्थ की, धरती के बारे में, किस तरह का हमारा धरती का जगह है, कहाँ पहाड़ हैं, कहाँ पे हरियाली है, कहाँ सूखा है, इन सबको दर्शाया गया है। और यहाँ पे अर्ली मैन का भी मॉडल्स तैयार है, और दीवारों पे बहुत ही ब्यूटीफुल पेंटिंग लगी हुई है। देखिए हमारे पूर्वज का भी छोटा छोटा मॉडल, यहाँ छोटी छोटी बटरफ्लाई लेजर के थ्रू दिखाया जा रहा है, और हमारे जो पूर्वज हैं किस तरह से हम लोगों ने कपड़े पहनना शुरू किया, इन सब के बारे में बताया गया है मॉडल के थ्रू। किस तरह से हमारे जानवर जंगलों में रहते हैं उनका मॉडल तैयार किया गया है यहाँ पे। देखिए लायन है, टाइगर्स हैं, लियोपार्ड हैं, सब कुछ का यहाँ पे, डियर्स, इन सभी का मॉडल यहाँ तैयार किया गया है और सभी का नाम यहाँ पे लिखा गया है। आप यहाँ पे बहुत सारी पिक्चर भी क्लिक कर सकते हैं। यहाँ देखिए दीवारों पे कितने खूबसूरत पेंटिंग लगे हुए हैं। देखिए डियर्स के भी प्रजाति का यहाँ मॉडल बना हुआ है। अब यहाँ एक छोटा सा लेजर शो स्टार्ट होता है 10 मिनट का, तो आप इसे एंजॉय करें। लेजर शो का एक अपना ही मजा है, इसे आप 10 मिनट तक एंजॉय करेंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। समुद्र की गहराई जितनी बढ़ती जाती है उतने ही पार्टी करने आई लेजर शो खत्म होने के बाद अब हम लोग चलते हैं जंगलों में जानवरों को देखने के लिए। तो यहाँ पे हम लोग बस में बैठ गए हैं, इससे पहले हम लोग वेट भी कर रहे थे बस के आने का। देखिए कितने खूबसूरत खूबसूरत डियर्स हैं, हमारे पास में होते हैं लेकिन आप गाड़ी से उतर नहीं सकते हैं, आप इसे खुले में देखेंगे इस तरह से चलते हुए। यहाँ का एक अलग ही व्यू है। जू में तो हम लोग जानवरों को
पिंजरे में देखते हैं, यहाँ पे जानवर ओपन घूमते रहते हैं, इसीलिए यहाँ देखना कुछ अलग ही लगेगा आपको। देखिए, सेफ्टी का यहाँ बहुत ही ध्यान दिया गया है, हर जगह पे आपको। यहाँ पे लायन देखिए कितनी आराम से बैठा हुआ है, आप इसे एकदम बिल्कुल सामने से देख सकते हैं, देखिए चलते हुए भी देख सकते हैं। अब यहाँ कुंड के पास आ गए हैं, यहाँ ब्रह्म कुंड है, गर्म पानी का नल यहाँ पे होता है, यहाँ पे सब लोग नहा के पूजा करते हैं। तो अंदर का मैंने व्यू नहीं लिया है क्योंकि सब लोग नहा रहे थे। तो अब इसके बाद हम लोग चलते हैं होटल में। अब रात भर रेस्ट करने के बाद नेक्स्ट सुबह हम लोग ग्लास ब्रिज के लिए निकल गए हैं। देखिए कितनी लंबी लाइन है, यहाँ टिकट चेक हो रहा है। अब अंदर चलते हैं। देखिए ग्लास ब्रिज के लिए भी कितनी लंबी लाइन है, हम लोग तो थक गए लाइन में ही लगते लगते। अब हमारी बारी आई है। यहाँ पर 6 साल से नीचे के बच्चे को आना अलाउ नहीं है, इसलिए छोटे बच्चों को बाहर ही बैठना पड़ता है। अब हमारी बारी है ग्लास ब्रिज पर जाने के लिए, तो चलते हैं और बहुत सारे पिक्चर क्लिक करवाते हैं। यहाँ का नज़ारा आपको बहुत ही प्यारा लगेगा, चारों तरफ जंगल ही जंगल है। देखिए आपको कहीं भी एक मकान नहीं दिखाई देगा, सभी जगह जंगल है। यहाँ पे हम लोगों ने बहुत सारी पिक्चर क्लिक करवाए हैं और बहुत ही इंजॉय किया है यहाँ पर, लेकिन थोड़ा डर भी लग रहा था क्योंकि एक ग्लास ब्रिज है ना, इसलिए थोड़ा डर लगता है कहीं ये टूट ना जाए, तो थोड़ा नर्वस थे हम लोग। देखिए अब चलते हैं सस्पेंशन ब्रिज की तरफ, यहाँ आ गए, यहाँ भी बहुत लंबी लाइन थी। तो अब चलते हैं सस्पेंशन ब्रिज की तरफ, यहाँ पे भी बहुत सारी पिक्चर क्लिक करवाया है हम लोगों ने। घूमने में तो नहीं थके, पर लाइन में लगते लगते ही हम लोग थक गए। यहाँ इतना ज़्यादा क्राउड था लाइन के लिए, क्योंकि सब लोग तो यहाँ ऑनलाइन टिकट ही लेकर आते हैं इस वजह से। ये ब्रिज बहुत ही ज़्यादा हिल रहा था, तो थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा था हम लोगों को। सस्पेंशन ब्रिज के बाद हम लोग बाहर निकल के, देखिए हमारी बस आ गई है, अब हम लोग जाते हैं। अब शांति स्तूप की तरफ जाते हैं, गेट से बाहर निकलते के साथ बहुत सारे आपको घोड़ा गाड़ी मिल जाएगी, 50 से 60 रुपये पर पर्सन में आपको मिल जाएगी। हम लोगों ने तो पूरा एक घोड़ा गाड़ी बुक किया था जाने के लिए, तो 300 रुपये पड़ा था हम लोगों को। देखिए सिर्फ हम लोग 4 लोग ही हैं। तो अब चलते हैं शांति स्तूप की तरफ, घोड़ा गाड़ी में बहुत ही मज़ा आया है चलने में, मैं पहली बार बैठ रही थी। तो यहाँ पहुँच गए हैं, यहाँ पे देखिए बहुत सारे छोटे छोटे शॉप हैं, यहाँ से आप खाने पीने की चीज़ें ले सकते हैं। यहाँ पर 1 बजे से 2 बजे के बीच लिफ्ट नहीं चलती है, इसलिए हम लोगों को सीढ़ियों से ही जाना पड़ा, इसलिए आप 2 बजे के बाद आए या 1 बजे के पहले आए, वरना आपको भी मेरी तरह पैदल ही जाना पड़ेगा। हम लोग पहुंच गए हैं शांति स्तूप मंदिर में। यहाँ आपके बहुत सारे मंदिर में आपको बंदर दिखाई देंगे, इसलिए आप अपने सामान को अच्छी तरह से ही कैरी करें। अब अंदर चलते हैं। अब अंदर मंदिर के अंदर चलते हैं हम लोग। मंदिर में अंदर प्रवेश करने से पहले आपको शूज़ निकालने होंगे, क्योंकि अंदर शूज़ पहन के जाना मना है। यहाँ पे आप बहुत सारी पिक्चर भी क्लिक करवा सकते हैं, यहाँ बुद्ध भगवान की बहुत बड़ी बड़ी प्रतिमा बनी हुई है, देखिए।
और ऊपर से आने के बाद कुछ बहुत सारे उधर शॉप भी थे, वहाँ हम लोगों ने थोड़ी थोड़ी शॉपिंग की है। अब चलते हैं जल्दी जल्दी से, लिफ्ट में लगते हैं वरना फिर से पैदल ही जाना पड़ेगा। यहाँ 70 रुपये पर पर्सन में आपको टिकट मिल जाएगा। तो अब लिफ्ट में चलते हैं क्योंकि अब तो हिम्मत नहीं है मेरी पैदल उतरने की, चढ़ते चढ़ते ही थक गए थे हम लोग। तो चलिए अब नीचे उतरते हैं और कुछ खाते हैं, बहुत जोर से भूख लगी है। यहाँ हम लोग नीचे उतर गए हैं। अब नीचे हम लोगों ने थोड़ा बहुत हल्का फुल्का नाश्ता किया और फिर से घोड़ा गाड़ी में बैठकर हम लोग चलते हैं स्टेशन की तरफ, क्योंकि हम लोगों ने 2 दिन का ही ट्रिप प्लान किया था इसलिए हम लोग को वापस जाना है। अगर आप 3 दिन का स्टे करते हैं तो और भी बहुत सारे जगह घूम सकते हैं, जैसे जल मंदिर हो गया, बहुत सारे, और घोड़ा कटोरा हो गया, बहुत सारी जगह को हम लोगों ने मिस कर दिया। तो अब वापस चलते हैं। मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि और वीडियो लेके आऊँ।